हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 5:30 बज रहा है। अभी बना रहे हैं सब्जी। मिस्टर को आज जल्दी जाना है। आज क्या, अभी इधर बीच कुछ दिन तक जल्दी ही जाना है। सुबह 6:30 बजे जाएंगे। तो ये है सब्जी, प्याज काट लिए, मिर्चा, अभी टमाटर नहीं काटे हैं, आलू, इधर पालक धो के रखे हैं। पालक मेन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पालक। आलू बस थोड़ा सा डाले हैं क्योंकि बच्चे पालक उतना ज़्यादा नहीं खाएंगे। वैसे तो आलू पालक की सब्ज़ी बनाओ तो खा लेते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पालक है तो उतना नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आलू भी डाल दिए हैं। तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल के फिर मिर्चा डाल के तुरंत प्याज डालते हैं, क्योंकि प्याज मतलब मिर्चा ना जल जाता है तो बहुत नाक में लगता है, छींक आने लगती है। अभी आलू को थोड़ा सा भून लेंगे। और फुल रेसिपी तो इसकी नहीं शेयर किए थे, क्या था, बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी थी और ज़्यादा पालक ही था, आलू बहुत कम था, क्योंकि बच्चों को आलू निकाल के देना रहता है तो वो इतना आलू डाले थे। अभी मसाला लगभग भून गया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला बस डाले हैं, तो बीच में टमाटर को डाल के नमक डाल के रख देंगे तो थोड़ा सा गल जाता है। ऐसे टमाटर बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं ना तो फिर मिस्टर भी नहीं खा पाते हैं, ऐसे तो टमाटर थोड़ा सा गल जाता है। पालक डाल के 2 बंडल था, यहाँ पे बंडल कर करके मिलता है, वजन तो नहीं रहता है, बंडल के हिसाब से देते हैं वो सब। अभी इधर आटा भी लगा लिए थे तो अभी रोटी बना लेंगे। सुबह काफ़ी जल्दी जल्दी इनका रहता है तो रोटी केवल अभी इनके लिए बनाए थे, पूरा रोटी नहीं बनाए थे। मिस्टर अभी चले गए तो अभी इसको धुल भी दिए, इधर का साफ कर दिए, इधर सब जगह से झाड़ू लगा चुके हैं तो अब चलते हैं कमरे में, सब जगह पोछा लगा लें। कमरा भी पोछा लगा दिए, गेस्ट रूम का भी, और किचन भी पूरा साफ कर दिए। बेडरूम में भी पोछा लगा दिए हैं, उसमें लाइट नहीं जला है क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, तो इसी कमरे से काफ़ी रोशनी चला जाता है। अभी टाइम देखिए, ये इसमें तो घड़ी में 7:45 हो रहा है, 15 मिनट फास्ट है ये, मतलब 7:30 हो रहा है। ये कमरा भी हो गया, बक्सा का काम भी ये आपको दिखा है कि जो रखा हुआ है, तो ये देखिए ये बक्सा भी अब हो गया है कंप्लीट। पेंट कल रात में करे हैं, थोड़ा सा बच गया था तो कल रात में करे हैं, अभी आज शाम को इसको जब आएंगे तब रख दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वीडियो तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी नहा के आए हैं तो अभी जा रहे, पहले बर्तन धुलेंगे पूजा का, फिर पूजा करेंगे। काम पूरा ख़त्म हो गया है, बस बाद में दोपहर में बच्चों के लिए रोटी बनाना है, और अपने लिए तो जब पूजा कर लेंगे तो चाय मूँगफली करेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं। सेब रखा है, अंगूर रखा है तो वही दोपहर में खा लेंगे, बनाना नहीं है। अब ये मेरा सुबह उठने का 5:30 बजे का लगा रहेगा, 5:30 बजे से उठ गए हम लोग, तो अब ये लगभग कुछ दिन तक इधर भी चलने वाला है। मेरा यही रहता है, जब बच्चों से छुट्टी मिलती है, मिस्टर का शुरू हो गया तो कोई नहीं, जब जैसी ज़रूरत रहती है वैसे उठते हैं। अब जब सुबह उठना होता है तो बिना टिफ़िन दिए नहीं भेजते हैं, और एक तो बाहर का खाना नहीं है और उतना नहीं है, चाहे तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट ये लगता है कि घर का खाना दिए रहो ना तो बाहर निकले ना निकले समय मिले। घर का रहता है तो रोटी सब्जी पराठा पूरी तो कभी सोचते भी नहीं है टिफ़िन में इनकी, बहुत कभी ऐसा होगा तो, इधर भी तो मुझे याद भी नहीं है कि कब इनको पराठा या पूरी दिए हैं, तो रोटी ही रहता है। एक समय था कि जब ये लोग नाश्ता बिना पराठा के नहीं करते थे, सुबह में चाहे कुछ भी बना दो नाश्ता में पराठा ज़रूर चाहिए, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में कोई ऑप्शन ही नहीं रखा जाता था, चाहे चाउमीन हो, पोहा हो, कुछ भी बनना हो तो शाम को रखा जाता था, कि जब सुबह पराठा बनाना ही है तो फिर लगता था ना कि 2-3 चीज़ें नहीं हो पाता है। अब ऐसा हो गया कि अब नाश्ते में भी रोटी और मतलब पराठा, ऐसा होता है ना कि जब कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि अच्छा लगता है, या आलू का पराठा ये है तो वैसे में हो जाता है, नहीं तो कोशिश रहती है कि ज़्यादातर रोटी ही रहे। सब्जी भी कभी टेस्टी बहुत ज़्यादा रहता है तो भी रोटी ही रहती है, बहुत हुआ तो थोड़ा सा देसी घी लगा दिए। तो चलिए कहाँ से कहाँ खाने पर पहुँच गए, अभी चलते हैं पहले पूजा का बर्तन धुल लें फिर
पूजा कर ले। पूजा कर लिए, अभी ऊपर से आए जल देके, केला का पेड़ है ऊपर गमले में तो उसमें जल देते हैं। बस नहीं मिल पाता तो एक पीला फूल, बाकी मतलब सब कुछ है तो पीला फूल नहीं मिल पाता है। और गमले में कई बार लगाने की कोशिश भी किए हैं तो फिर सूख जाता है, तो इसलिए देखिए टाइम हो गया 9:45 हो रहा है, इसमें 9:45 हो रहा है, लेकिन अभी 9:30 मतलब 35 हो रहा होगा। तो अभी चलते हैं किचन में, थोड़ा देर बैठ गए ना पोछा अच्छा लगाने के बाद, थोड़ा देर बैठ गए तो बैठ जाओ तो फिर हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आदत भी नहीं होता है ना, अब रोज़ तो आदत है नहीं इतना सुबह उठने का, तो थोड़ा सा आलस हो गया। देखिए जब जैसा काम होता है रोज का रहता है कि मेरा 8 बजे भी उठते हैं, इनके जाने के ऊपर रहता है, इनको जितना बजे जाना है उससे 2 घंटा पहले कोशिश करते हैं या कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाए, क्योंकि तो अपना भी थोड़ा बहुत काम होता है और फिर सब्जी रोटी, तो कोशिश करते हैं कि उठे। और जब जैसा काम होता है तो 8 बजे 8:30 बजे, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि संडे को उठ जाते हैं हम लोग, मतलब रोज़ के टाइम पे ही उठ जाते हैं, लेकिन बिस्तर छोड़ने में 9:30 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मतलब पापा तो रोज़ रहते नहीं हैं, वो लोग सोए रहते हैं तो पापा उठ के चले जाते हैं, तो बच्चों का रहता है कि आज संडे को मस्ती करें। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, मूँगफली भून लें, मूँगफली मखाना भून लें, ये भी धुल के रख दिए हैं, सेब अंगूर खाएंगे तो अभी नहीं तो दोपहर में देखते हैं। अभी बच्चे भी ब्रश कर लिए हैं, नहाने गए हैं तो नहा ले तो उनको भी नाश्ता दे दे, नाश्ता करने के बाद वो लोग अपना देखेंगे टीवी या फिर कैरम खेलेंगे और हम लेटेंगे, कोई काम तो है नहीं अभी, तो वो करते करते 11 बज ही जाएगा और वीडियो भी डालना रहता है 11 बजे, तो 11 बजे के बाद ही लेटेंगे। अभी मैं सो के भी उठ गई, सो के तो बहुत पहले के ही उठे हुए हैं, बच्चों को भी खाना दे दिए और अपने लिए भी देखिए वहाँ पे ला के रखे थे सेब अंगूर, तो अंगूर केवल खाए हैं। और अभी देखिए ये आपको देख के पता चल गया होगा, ये ब्लाउज की कटिंग करे हैं तो आपको दिखा दे, ये है आगे का पार्ट पूरा, मतलब इतना कटिंग कर लेते हैं कि फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा जितने मतलब चाहिए होते हैं सब कुछ इकट्ठा काट के रख लेते हैं, इससे ना आसान हो जाता है, केवल सिलाई करना रहता है। और ये है पीछे वाला, तो इसमें देखिए निशान भी लगा दिए हैं, अब वो भी नहीं करना। ये अस्तर है बाजू वाला और ये उसका कपड़ा है बाजू का, ये सब है जो पट्टी लगती है गले की पट्टी, और ये सब जो बढ़त पट्टी और हुक काज वाली होती है, सब कुछ हो गया और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अभी चलते हैं, समय है तो सोच रहे हैं जितना आज सिलाई कर सकते हैं, ज़्यादा शायद ना हो पाए, तो कितना कर पाते हैं। पूरी कटिंग तो नहीं दिखाए, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं कि एक बार और अस्तर वाली ब्लाउज भी जब पूरी तरह से कटिंग की है तो दिखाए हैं, तो उसका लिंक दे देंगे अगर आपको प्रॉपर ब्लाउज कटिंग का देखना हो तो। और प्लेन वाली ब्लाउज भी कटिंग करे थे तभी भी दिखाए थे, तो इसलिए ब्लाउज की पूरी कटिंग नहीं दिखाए हैं। कितना बड़ा काम आज हो गया, आज ही काटे भी और आज ही सिल भी दिए, ब्लाउज सिल दिए। वैसे तो लग रहा था कि 2 दिन में करेंगे, लेकिन काफ़ी समय था। आज ऐसा हो गया कि पूजा करने के बाद फिर कोई काम ही नहीं था, गया था सिल ही दें पूरा। देखिए ये बाजू का थोड़ा सा बड़ा है और ये पीछे क्या हो गया, बस ये जो हाथ का काम होता है इसको तुरपाई करना है, वो करना है, और ये वाला बस ये है हुक काज का काम है, बाकी पूरा हो गया। तो ये काम तो रहता है ना कि टीवी देखते भी रहो तो कर दो, या कभी भी थोड़ा 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 कर दो, और कटिंग और मशीन का काम रहता है कि फैला दो तो फिर नहीं छूट, मतलब लगता है कि कंप्लीट ही कर ले। इसका फुल वीडियो नहीं दिखाया, इसका कटिंग का लिंक इस वाले में दे देंगे, आज वाले में दे देंगे कटिंग का लिंक, और अगर आप बोलेंगे इसकी पूरी सिलाई का तो उसका लिंक इसकी नहीं है, इस तरह की एक और ब्लाउज सिले थे इससे पहले तो उसकी है, वीडियो डाले थे, आप चाहे तो कुछ चेक भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चेक करना चाहते तो मतलब
डायरेक्ट चाहते हैं आसानी से मिल जाना, तो लिंक दे देंगे, तो उसका अगर आप बोलेंगे तो कल या परसों में फिर लिंक दे देंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो कैसी लगती है या आपको मेरी वीडियो किस तरह की देखना पसंद है कमेंट करके बताया करिए। कोशिश करेंगे जैसी आपको अच्छी लगती है, कोशिश करेंगे कि वैसी भी वीडियो लाया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।